हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह हमारे यहीं पर है, चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ओ पी सी क्यू आर ई एस टी जी यू वी और क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया ए, देखिए इनमें पहला अक्षर क्या दिया, ए सी ई जी, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, इसे अंक में कन्वर्ट करेंगे, इन अक्षर को अंक में कन्वर्ट करेंगे। और अंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ए एक नंबर पड़ता है, सी तीन नंबर पड़ता है, ठीक है, और बी दो नंबर पड़ता है, ई हमारा पाँच नंबर पड़ता है, और सात हमारा जी नंबर पड़ता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए एक नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ए एक नंबर पे आ जाएगा, सी तीन नंबर पे आ जाएगा, और ई हमारा पाँच नंबर पे आ जाएगा, और जी हमारा सात नंबर पे आएगा। देखिए ए में यानी कि एक में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है, और फिर तीन में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम पाँच में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, यानी कि सब में दो जोड़ता चला गया है। तो अगर हम जी यानी कि सात में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ, और नौ नंबर पे क्या आता है, आई, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आई। देखिए किस ऑप्शन में दिया, आई ए में दिया है, सी में, और बी डी में नहीं दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया, ओ क्यू एस यू, ठीक है। देखिए ओ वो हमारा किस नंबर पड़ता है, पंद्रह, ठीक है, किस नंबर पड़ता है, पंद्रह नंबर पड़ता है, वो हमारा पंद्रह नंबर पड़ता है, और क्यू हमारा किस नंबर पड़ता है, सत्रह, ठीक है, सत्रह नंबर पड़ता है, यस हमारा किस नंबर पड़ता है, उन्नीस नंबर पड़ता है, ठीक है, और यू हमारा किस नंबर पड़ता है, इक्कीस नंबर पड़ता है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पंद्रह में क्या किया है, दो जोड़ा है तो कितना हो गया है, सत्रह हो गया है, ठीक है, और सत्रह में फिर दो जोड़ा है, सत्रह में फिर दो जोड़ा है तो उन्नीस हो गया है, फिर उन्नीस में दो जोड़ा है तो कितना हो गया है, इक्कीस हो गया है, इक्कीस हो गया ना। अब इक्कीस में फिर दो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इक्कीस में दो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तेईस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तेईस। देखिए तेईस किस नंबर पर पड़ता है, तेईस हमारा किस नंबर पड़ता है, डब्लू, किस पे, डब्लू, यहाँ पर क्या आ गया, आई डब्लू। देखिए किस ऑप्शन दिया, आई डब्लू, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। अभी कैसे, अब पी वाले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पी, पी अक्षर हमारा किस नंबर पड़ता है, सोलह, ठीक है, और आर हमारा किस नंबर पड़ता है, अट्ठारह, ठीक है, टी हमारा किस नंबर पड़ता है, बीस, ठीक है, और यू, देखिए यहाँ पर क्या दिया, यू के बाद क्या दिया है, वी, वी हमारा किस नंबर पड़ता है, बाईस, बाईस नंबर पड़ता है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए सोलह में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अट्ठारह, फिर अट्ठारह में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बीस, बीस में हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बाईस, ठीक है, बाईस में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चौबीस, ठीक है, चौबीस हो जाएगा। देखिए चौबीस किस नंबर पड़ता है, यक्ष स्थान पड़ता है, तो क्या आ जाएगा, आई डब्लू यक्ष, क्या आ जाएगा, आई डब्लू यक्ष। देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों, चार विकल्प दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक विकल्प हमें भरना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बी जी जी सी एच एन एन और खाली स्थान, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, इसे भी हम क्या करेंगे, पहले इस अक्षर को अंक में कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व करेंगे। देखिए बी हमारा दो नंबर पड़ता है, ठीक है, बी हमारा दो नंबर पड़ता है, जी हमारा सात नंबर पड़ता है, जी हमारा सात नंबर पड़ता है, और सी हमारा तीन नंबर पड़ता है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया है, दो में
क्या किया, दो में एक जोड़ा है तो तीन हो गया है, ठीक है, दो में एक जोड़ा है तीन हो गया है। और देखिए सात में क्या किया है, सात में जीरो जोड़ा है तो हमारा सात ही रह गया है, सात में जीरो जोड़ा है तो हमारा सात ही रह गया है, यानी कि दो में एक जोड़ा तीन हो गया, सात में जीरो जोड़ा तो सात ही रह गया। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, देखिए यच हमारा 8 नंबर पड़ता है, यन हमारा 14 नंबर पड़ता है, तो क्या देखिए यन यन में हम एक जोड़ेंगे, सॉरी यच में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर पे क्या आता है आई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आई। और देखिए दोस्तों यन हमारा 14 नंबर पड़ता है और यन में हम जीरो जोड़ेंगे तो हमारा 14 ही आएगा, यहाँ पर यन देखिए यहाँ पर आना आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा आई। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों खाली स्थान हमारा यहीं पर, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को हमें भरना है, तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसे अंक में कन्वर्ट करेंगे, किसे, इस प्रश्न को अंक में कन्वर्ट करेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, तो चलिए दोस्तों हम इसे अंक में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्यू हमारा किस नंबर पड़ता है, 17, यल हमारा 12 नंबर पड़ता है, ठीक है, किस नंबर पर, 12 नंबर पड़ता है, और ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, सी हमारा 3 नंबर पड़ता है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या किया है, 17 में से -5 किया है तो कितना आ गया है, 12 आ गया है, हम क्रम वाइज इसे माइनस करते चले जाएंगे। देखिए पहले 5 माइनस किया, अब कितना माइनस करेंगे, 4, 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 नंबर पर क्या आता है, यच आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 आया तो 8 में से हम क्या करेंगे, आप 4 घटाएं, अब 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 में से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 नंबर पर सी आ गया। अब सी में से हम क्या माइनस करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि बी बी आएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, बी हमारा किस नंबर पर था, 2, तो हम 3 में से अगर -1 करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, तो क्या भरा जाएगा, यच और बी। किसे दोस्तों, मिसप्रिंटिंग हो गया है यहाँ पर, जी के स्थान पे क्या रहेगा, यच, और यच बी तभी हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यच और बी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया था, मिसप्रिंटिंग हो गया था, यच के जगह जी हो गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, यच और बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है, तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, C3, E5, G7, I9। देखिए दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है, इसमें क्या करें हम कि इसे देखिए दोस्तों हम बहुत ही आसान से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे हम अक्षर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अक्षर में कन्वर्ट खुद ही है। देखिए C 3 नंबर पड़ता है, E 5 नंबर पड़ता है, G 7 नंबर पड़ता है, I 9 नंबर पड़ता है, तो इसमें क्या किया है, देखिए 3 में, ठीक है, 3 में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया है, फिर 5 में 2 जोड़ दिया है तो 7 हो गया है, फिर 7 में 2 जोड़ दिया है तो 9 हो गया है, यानी कि सब में 2 जोड़ता चला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो क्या 11 नंबर क्या पड़ता है, K 11 हो जाएगा, कितना, K 11, ठीक है। अब हम K 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि M 13, कितना हो जाएगा, M 13, किस नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें बस दो दो जोड़ना था, ठीक है, दो दो जोड़ता चला गया, हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, इनमें से कोई एक अक्षर को भरना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, इन अक्षर को अंक में कन्वर्ट करेंगे, इन अक्षर को अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पड़ता है, बी हमारा 2 नंबर पड़ता है, C 3, ठीक है, जेड 26 नंबर पे, तो क्या करेंगे, पहले से अंक में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जेड हमारा 26 नंबर पे हो गया, ठीक है,
यक्ष हमारा 24 नंबर पे हो गया, ठीक है, और वी हमारा 22 नंबर पे हो गया, और टी हमारा 20 नंबर पे हो गया, आर हमारा 18 नंबर पे हो गया। देखिए इसमें क्या दिया है, 26 दिया है, तो 26 में से क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है तो 24 हो गया है, ठीक है, फिर 24 में से 2 माइनस कर दिया है तो 22 हो गया है, 22 में से 2 माइनस कर दिया है तो 20 हो गया है, 20 में से 2 माइनस कर दिया है तो 18 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 16, 16 नंबर क्या पड़ता है, पी, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पी। अब पी में से हम 2 माइनस करेंगे यानी कि 16 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, 14 नंबर पर क्या आता है, यन, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यन, क्या भरा जाएगा, पी और यन, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना था, दो दो अंक इस अक्षर को अंक में कन्वर्ट करें हमने, इसके बाद हमने इसमें से दो दो माइनस कर दिया चला गया तो हमारा अक्षर प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पी और यन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।